अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं जुलेखा अरफात, जुलेखास किचन से। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का करम है और आप लोग की दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज हमारा थर्ड डे है, हम सब रेडी हो गए हैं, बस निकल रहे हैं। तो आप लोग भी चलिए हमारी जर्नी पर, बहुत मज़ा आएगा। आज का दिन ज़्यादा नहीं रखा है, थोड़ा लाइट रखा है मैंने। थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे, एक दो जगह जाएंगे और बस आ जाएंगे। तो चलिए आप भी हमारे साथ, ऑल सेट, चलिए। आपको बच्चा ही है? हाँ, बच्चा है ना। रियल बच्चा नहीं है तो मैं फेक बच्चा बना रहा हूँ। ये बोल भी सकता है। रियली? अरे ये हम पहुंच गए अल सीफ। बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर मुझे यहाँ का लगा, क्योंकि ये जो बना हुआ है वो अभी बना हुआ है, लेकिन जो वाइब्स है ना, ऐसा लग रहा है बहुत पहले के जो पुराने ज़माने के बने हुए होंगे वो वैसा वाइब्स दे रहा है। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया ये देखकर। और अजान थोड़ा सा फोटो निकालने के लिए अपनी स्पेस ढूंढ रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी यहाँ की कि ये जो आप देख सकते हैं ऊपर जो भी टेंट जैसा लगे हुए हैं कपड़े, उसके नीचे ये जो लटक रहे हैं, जो भी डेकोरेशन कहिए या जो भी आर्ट कहिए, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। पता नहीं किन चीज़ों का बना हुआ है, मैं नहीं जानती, बट बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छी वाइब्स दे रहा था और बहुत ही पॉजिटिव लग रहा था मुझे। तो बहुत मज़ा आया मुझे यहाँ घूम कर, और बहुत ही डिफरेंट लगा। ये साइड दुबई का भी बहुत अच्छा है। ये देखिए कश्मीर एम्पोरियम, देख के बड़ा अच्छा लगता है मुझे। हमारे देश का कहीं बाहर के देश में देखते हैं तो कितनी खुशी होती है, आई एम श्योर आप समझ सकते होंगे। अच्छा, ये सारी जो दुकानें हैं इनमें किसी में ईरानियन चीज़ें हैं, किसी में इजिप्शियन वाली चीज़ें हैं, किसी में क्या है, खूबसूरत सी अलग अलग चीज़ें हैं। और बस इसी तरीके से हम घूमते चले गए। इंटरेस्टिंग लग रहा है ऊपर का जो ये सारा बना हुआ है ना, नेट से बना हुआ है, जो मच्छी जो पकड़ते हैं या उस वाले नेट से बना हुआ है। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये पूरा कॉन्सेप्ट। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये इन्होंने अपनी हिस्ट्री को रिक्रिएट किया है, यहाँ बता रहे हैं हमें, क्योंकि ये जो देश था पहले मछुआरों का देश था और शायद वो यही रिक्रिएट कर रहे हैं। मैं पता नहीं, मुझे अगर आप दुबई वाले लोग कोई हों यहाँ तो मुझे बताइएगा कि अगर मैं सही हूँ या गलत, मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये आप देख सकते हैं, ये झोपड़ी नहीं है, ये स्टारबक्स है। अंदर से स्टारबक्स सेम है जैसे बाहर होता है, लेकिन ये बाहर से ऐसा लुक दिया गया है कि ये झोपड़ी है और एज डोल टाइप दिख रहा है, लेकिन ये अपना वही पुराना स्टारबक्स है, लेकिन अंदर से सही है, जैसा होता है वैसा ही है। बहुत मजा आया हमें ये घूम के। और ये जो इन्होंने कल्चर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पुराना है एंड ऑल दैट, ये बहुत ही मुझे तो फैसिनेटिंग लगा, मुझे बहुत मजा आया घूमने के लिए भी। और बस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि हमें जानी है शॉपिंग। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी टैक्सी मिल रही थी, क्योंकि बारिश के टाइम पे है ना, यहाँ टैक्सीज का कुछ प्रॉब्लम मुझे लगता है हो जाता है, तो मुझे टैक्सीज मिल नहीं रही थी। तो हमने सोचा अब हम लेते हैं क्रीक की वो जो फेरी टाइप होती है ना, वो जो छोटी छोटी बोट्स होती है, अब हम सोच रहे हैं उस पार हम लोग फेरी से जाना चाहते हैं, मतलब बोट से जाना चाहते हैं। तो बस उसी के रास्ते की ओर हम निकल पड़े हैं।
मजी आ गया हमारी उठी, यही रही कि इधर ही ये रही। और ये आ गया मीना बाजार। नहीं है ये, पहले सूख है, उसके बाद आएगा मीना बाजार। दिस इज सूख। हिजाब चाहिए थे एक्चुअली, बट ये ऐसे नहीं, क्योंकि हमारे मुंबई में तो ऐसी गर्मी होती है उसमें हिजाब ऐसे की जरूरत नहीं है। ब्यूटीफुल कार्पेट्स हैं। एक्सक्यूज, ओके, ब्यूटीफुल कार्पेट्स है। हाउ मच इज दिस? 45 45। How much? 20? 20. I thought this is for 20. That meant. 450 ka. Beautiful. Aur ye wale bowls? Ye wala 45. Itna beautiful hai na, main aapko bata nahi sakti. Ab ek to problem ye hai ki main utha ke bhi India kaise leke aaun? Agar toot gaya to meko बहुत अफसोस होगा कि इतनी अच्छी चीज़ ली, इसको तो बहुत अच्छी पैकिंग वगैरह चाहिएगी, तो मैंने फिर ली नहीं इसी वजह से। हमने प्लान में थोड़ा सा चेंज किया क्योंकि हमें अभी याद आया कि हमने खाना खाया ही नहीं था, तो फिर हमने सोचा चलो थोड़ी ही दूर पे मीना बाजार है, वहाँ पहले खाना खा लेते हैं। ये बड़ी फेमस रेस्टोरेंट है, पाक लियारी, बहुत ही फेमस है, इनकी बिरयानीज और निहारी वगैरह बहुत फेमस है। हमने सोचा क्यों नहीं, पाकिस्तान नहीं जा सकते हैं तो यहाँ तो पाकिस्तानी खाना खा सकते हैं, तो हमने सोचा चलो इंडियन लोग पाकिस्तानी खाना खा के देखते हैं कैसा होता है और क्या टेस्ट होता है, क्या लज्जत मिलता है हमें। तो बस हमने मंगाई बिरयानी जो वहाँ की बड़ी फेमस थी, और वो इस कदर आई थी, अच्छी थी, बुरी नहीं थी, बहुत अच्छी भी नहीं थी, लेकिन अच्छी थी, अच्छा लगा, मज़ा आया खा के। ये है मटन कढ़ाई और ये है रोटी, जैसे आप देख सकते हैं तंदूरी। अच्छा था खाना, बुरा नहीं था, लेकिन एकदम एक्सेलेंट भी नहीं था, मुझे अच्छा लगा। अच्छा ये आप देख सकते हैं, ये स्ट्रीट्स है सारी मीना बाजार की, शॉपिंग कीजिए, मज़े कीजिए। अच्छा ये आप देख सकते हैं ना, इसका नाम है सूक। सूक मतलब मार्केट, हम मुंबई लोग मार्केट कहते हैं, वहाँ लोग हर चीज़ को सूक कहते हैं, बाजार को सूक कहते हैं। तो ये जैसे आप देख सकते हैं ग्रैंड सूक पुर दुबई है, और हम अंदर गए नहीं क्योंकि लास्ट टाइम तो हम घूम चुके थे, अब वही रिपीटेड वापस क्या जाना ना, और शॉपिंग हमें करनी नहीं थी। अगर शॉपिंग अभी करनी होती तो ये वाली एरिया में जाते, यहाँ से मुझे शॉपिंग नहीं करनी थी, मुझे उस पार से शॉपिंग करनी थी। तो बस अब हम जा रहे हैं सामने की ओर, तो इससे बोट से होते हुए जाएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लगता है मुझे तो बोट में ट्रैवल करना। वैसे एक पर्सन का एक दिरहम होता है, पर कितना कन्वीनियंट है ना, सामने खूबसूरत नज़ारे देखते देखते जाओ और इतने कम कॉस्ट में। अरे कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है? हम लोग सामने की ओर, और जो बारिश आपको दिख ही रही है, बहुत जोर में बारिश चालू हो गई, और दो दिन से ये तीसरा दिन था हमारे पीछे पड़ी थी बारिश। मुझे बड़ा मजा आ रहा था क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं लाइफ में आगे दुबई में आऊं तो कभी बारिश मुझे मिलेगी, क्योंकि यहाँ के लोग भी बोलते हैं बहुत रेयर होता है कि दो तीन दिन कंटिन्यूस बारिश होती है, तो मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था। और हम वहाँ सामने उतरे थे, और उससे फिर हम यहाँ से चलते चलते वो शॉप में आ गए जहाँ से मुझे शॉपिंग करनी थी। और आपने तो पता है लेडीज जब शॉपिंग के लिए घुसती हैं तो मैं तो दो तीन घंटे कहीं नहीं गए, चॉकलेट्स ली, चीज़ें ली, बैग्स ली, ये ली, जो चाहिए था सब सारा ले लिया, और मैं भूल ही गई कि मुझे शॉपिंग का रिकॉर्ड भी करना होता है और कुछ ब्लॉग भी बनाना होता है, क्योंकि इतनी इनग्रोस हो गई ना मैं शॉपिंग के लिए। तो सॉरी, बस ये देखिए हमने शॉपिंग की, बस इतनी ही की है और निकले हम। चाय की
वो तलब लगी थी, हमें लगा एक बढ़िया सी फर्स्ट क्लास की गर्मा गर्म सी चाय मिल जाती तो बहुत मजा आ जाता। बस बोलना था और अरफात ने चाय लेके आए। ये एक्सक्यूज मी, शुगर शुगर, थोड़ी और, हिंदी भी नहीं आती है, हिंदी लिटिल शुगर, लेस लो शुगर। मैं रेन से और ठंडी और हवा से बचा लूं मेरे बच्चे को। क्या? मैं रेन, एग और ठंडी से बचा रहा हूँ मेरे बच्चे को। आपके बच्चे को बचा रहे? अच्छा, आप भी तो बता रहे थे परसों। हाँ तो मैं आपको बचा रही थी ना, आप मेरे बच्चे हो और ये भी तो मेरा बच्चा है ना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने जो टैक्सी मंगाई थी वो आ गई, नहीं तो बारिश के टाइम में यहाँ पर थोड़ी सी टैक्सी की प्रॉब्लम हो जाती है। और बस हम चले हमारे होटल, होटल जाके हमने खाना मंगाया और ये है बिरयानी, हमने होटल की बिरयानी मंगाई जो कि बहुत अच्छी होती है, लजीज होती है इनके यहाँ की। और सैलड जब आता है तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। और ये है फ्रेंच फ्राइज के साथ शोरमा, बहुत ही मज़ेदार होता है इनका शोरमा भी, तो हमने ये मंगाया और अब हम खाएँगे। अच्छा, कल मैं बराबर से एंड नहीं कर पाई क्योंकि आप लोग सब जानते हैं शॉपिंग में हम कितना बिजी हो जाते हैं लेडीज़, कि मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे शूट भी करना और बारिश भी थी तो मैं बराबर शूट नहीं कर पाई। तब भी बारिश में भी कर लेती लेकिन द थिंग इज़ शॉपिंग में कंफर्टेबल नहीं रहा और फिर बैग्स थी एंड ऑल दैट, तो मैं कर नहीं पाई। लेकिन आई होप आपको ये वाला व्लॉग भी अच्छा लगे। और दूसरे जो व्लॉग्स हैं मैंने अपडेट किए हैं उन सारों का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगी। अगर आपने दूसरे व्लॉग्स नहीं देखे हैं दुबई सीरीज़ के मेरे, तो आप वो भी चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में है लिंक। फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर व्लॉग के साथ, आजकल तो व्लॉग के साथ ही। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।